नमस्कार दोस्तों, मैं लीना आपके अपने चैनल लीना किचन एंड लीना कल्चर में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि दिवाली के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। तो ख़ास तौर पे इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी आपको कि दिवाली के दिन आप कितने दिए जलाए जाते हैं। तो इस आधार पर परंपरा से ये देखा गया है कि परंपरा से हर राज्य में अलग अलग मान्यता है। कोई समय संख्या में तो कोई विषम संख्या में दीपक जलाता है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस जगह पर किसके निमित्त दीपक जलाया जा रहा है। फिर भी जानिए कि दिवाली पर कितने दिए जलाने चाहिए। धनतेरस पर यमराज जो दीप दान किया जाता है, कहें कि उनके निमित्त घर के चारों ओर दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीपक जलाने चाहिए। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दिन को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख पर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। धनतेरस के बाद आती नरक चतुर्दशी, इस दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं और यही मुख्य पर्व होता है। दिवाली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजन का पर्व है। और कार्तिक माह के अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार के दीपों से वातावरण रोशन हो सके। इस दिन रात को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि विधान से किया जाता है। घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, और जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, देवता का नाश हो सके। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उनकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए। दीप मालिका का पूजन करके और उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें और चार बत्तियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। तो साथ ही साथ इसके साथ दिवाली पर काफ़ी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी खास जानकारी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। रीना के चैनल। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।